हेलो दोस्तों, मिसेस ट्रान किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ टेस्टी सा यम्मी सा शाही टुकड़े की रेसिपी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गर्म किया है, उसमें मैंने दूध डाला है और दूध को हमें अच्छे से बॉईल करना है और दूध को हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छे से पकाना है। जैसे इसमें बॉयल आता रहेगा, इसको पकने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा। देखिए ये धीमे धीमे गाढ़ा होता चला जा रहा है और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम से गाढ़ी होती चली जा रही है। अब हम इसमें थोड़े से केसर को हमने पानी में भिंगो के रखा हुआ था, उस केसर को हमने इसमें डाल दिया है और इसको हम और चलाएँगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी इसमें डाल दीजिए और चीनी डालने के बाद आप इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और एक बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हम गैस पर एक बर्तन रखेंगे, उसमें हम पानी और चीनी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से पकने देंगे जब तक कि ये एक तार जैसी चाशनी नहीं बन जाती। इसमें हम अपनी स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी डालिएगा और इसको हम पकने देंगे और इसमें हम 2 से 3 केसर थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम, और हम इसको अच्छे से पकने देंगे जब तक कि इसमें एक तार की चाशनी ये नहीं बन जाती। देखिए ये चाशनी काफ़ी बन के तैयार हो चुकी है, गाढ़ापन हो चुका है इसमें। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद हम ब्रेड लेंगे। ब्रेड के हम 2 पीस में हम ब्रेड को कट कर लेंगे। हम सभी ब्रेड को इसी तरीके से 2 पीस में कट कर लेंगे। तब तक मैंने एक साइड कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में घी डाल दिया था। सभी ब्रेड कट चुकी है, मैंने कढ़ाई को गर्म किया, कढ़ाई में मैंने घी डाला है। आप इसको घी में ही बनाएं। और घी डालने के बाद मैंने इसमें एक एक करके सभी ब्रेड को अच्छे से सेक लिया है। देखिए हमारी सभी ब्रेड अच्छे से, इसी तरह से हम सभी ब्रेड को एक एक से सेक लेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे तो ब्रेड जल जाएगी। देखिए हमने मीडियम फ्लेम पे सभी को सेक लिया है। उसके बाद हमारी चाशनी भी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें ब्रेड को डिप करेंगे और सभी ब्रेड को हम इसी तरीके से डिप करेंगे और एक प्लेट में सर्व करेंगे। हमने सारी चाशनी में ब्रेड को डिप कर लिया है। अब हमने जो दूध का बना के तैयार किया था दूध से, उसको हम इस पर फैला देंगे अच्छे से और इसको हम ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देंगे और इसको हम सर्व करेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोग भी अपने अपने में घरों में बनाएं और ट्राई करें और मुझे कमेंट करें आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।